अपना नाम बताइए। जहीर नाम है मेरा। जहीर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं त्रिपाल फैक्ट्री पे रहता हूँ जी। क्या हुआ था आपके साथ? हुआ ये था कि एकदम से जो ये पथराव वगैरह ये सब होने लगा तो दिल इतने डर गए लोगों के कि क्या करें हम, क्या करें। 26 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। गोलियों की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज तेज, और ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारा घर तोड़ के इसी में ही आ जाए। कप कप आ रहे थे। अभी भी मैं बताते हुए भी मुझे डर सा लग रहा है। आप बिल्कुल मत डरो। फिर भी मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा, अपने मुसलमान लोगों से, कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दें अपने अपने बच्चों के, कि मतलब जितना भी नुकसान हुआ है इधर से या उधर से, ये नहीं होना चाहिए था। और मुसलमान को और हिंदू को मिल करके ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कभी ना हो, और अमन के लिए दुआ करनी चाहिए। सब एकजुट मिल के रहें, भाई हमारे ही भाई हैं सब, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं यहाँ पर। ये तो जिसने भी कराया दंगइयों ने, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए खोज करके। एक बात बताओ, हम जाएँ तो जाएँ किसके पास? पुलिस के पास जाओ वो हमारी मदद करती नहीं है, किसी नेता के पास जाओ तो वो ये सुनने में आता है कि वो केंद्र के हाथ में है, तो जाएं किसके पास? अगर मीडिया से हम जो और भी चैनल हैं वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाते जो कि गलत चीज़ को भी ठीक बयान कर देते हैं, वो अपने तरीके से बयान कर देते हैं। वीडियो बना के ले जाएंगे उसको कट पीस मतलब कर देते हैं कि जो सही बात है वो तो काट दी। अब मैं एक बात और भी कहूँगा, जो यहाँ पर ताहिर भाई हैं जिनका हम नाम सुन रहे हैं मीडिया पर देख रहे हैं, मैं वैसे कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो बहुत बड़ा मुद्दा सा बना दिया उस चीज़ को, जो नहीं हो। सबसे पहले कार्रवाई कपिल मिश्रा पे होनी चाहिए थी। कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी मुस्तफाबाद में रहता हूँ। आप भी इस दंगे से पीड़ित हैं जी, जी। क्या हुआ था आपके? यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ताहिर के यहाँ से ये हुआ वो हुआ, लेकिन मीडिया सच्चाई के साथ में बात दिखाए। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो चंदू आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि उनका नाम फंसाया जा रहा है, उनके नाम से मुराद नहीं है कि उनका नाम फंसाया जा रहा है, उसमें तो वो सारा का सारा क्लियर है। जो आदमी पुलिस के सिक्योरिटी में अपना मकान दे करके गया, दूसरे दिन क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका मकान है और आप वहाँ फंसे हुए हैं और पुलिस को आप जो कॉल पर कॉल कर रहे हैं, और पुलिस अगर आती भी है तो आपसे कहते कि आप यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाइए। जब वो व्यक्ति अपनी वहाँ से जान बचा करके भाग गया और पुलिस के हाथ में अगर उसने चाय भी दी और पुलिस कस्टडी में वो अपना मकान छोड़ करके गया, तो उसके बाद में अगर कौन चढ़ता है वहाँ पर और सीढ़ियाँ लगा लगा करके देखी जा रही हैं, वीडियोज़ हैं, तो फिर उस व्यक्ति की क्या वो रिस्पॉन्स रह गई, उसकी तो खत्म हो गई। मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ, अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल गृह मंत्री जी हैं, उनके एक्स एमएलए शिवबिहार में रहते हैं और उस जगह पर उनका ऑफिस है और उस जगह पर वो है जहाँ बॉर्डर लाइन से अंदर आदमी आते हैं, तो आप हर आदमी कहता बाहर के लोग आ गए, क्या हमारे एक्स एमएलए इतने कमजोर हो गए थे कि अपने लोगों को समझा नहीं पाए, या उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर दिया? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलशाद है। मेरा नाम रसीना है। मेरा सारा मकान जला दिया, राख बना दी, कुछ नहीं छोड़ा। लड़की का दहेज का सामान था, वो भी शादी होने वाली थी, शादी होने वाली थी, लड़का देखते फिर रहे थे, इंतजाम कर रखा था मन ने पूरा, सारा जेवर भी ले गए लिकाड़ के, बहू का भी ले गए, कुछ नहीं छोड़ा, भैंस भी ले गए 14 भैंस, कुछ नहीं छोड़ा। आपको लग रहा था कि कागज थे हमारे वे भी जल गए, राख बन गई बिल्कुल, कुछ नहीं छोड़ा, किसी ने भी कार्रवाई नहीं करी, जाके उसी बिहार में 14 नंबर गली में कोई नहीं गया, वहाँ से देखकर पुलिस वाले नहीं गए, कोई नहीं गया। आपका आपका सारा सामान जल गया उसमें? सारा ले गए, जला दिया बिल्कुल, राख बना रखी है, काला हो रहा मकान बिल्कुल कोरा। ये पूछना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि क्या कपिल मिश्रा जी इस सिक्योरिटी के हकदार है? वो तो उनको इनाम दे दिया गया सिक्योरिटी के रूम में, कपिल मिश्रा जी को एक ये इनाम मिला है, बाकी जो उनके साथ में जो भी उनको कोऑपरेट करते हैं उन लोगों को ये इनाम मिला है। क्या मैं उन अपने जो हमारे यहाँ का थाना है या जो गवर्नमेंट हमारे बच्चों को उठा रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ वो उस लिस्ट को सार्वजनिक करें कि कितने मुस्लिम हैं और कितने नॉन मुस्लिम हैं। क्या दंगा एक तरफ से हुआ या दंगा दोनों तरफ से हुआ? और दोनों तरफ से हुआ तो फिर दोनों तरफ से लोगों को उठाना चाहिए। दंगा दोनों तरफ से हुआ है और आप कह रहे हो कि इसकी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि मीडिया भी बायस्ड हो रही है, पुलिस भी बायस्ड हो रही है। जो घर बचे हुए हैं, जो मंदिर बचे हुए हैं, वो बिल्कुल सेफ है। अगर व्यक्तिगत दुश्मन आगे निकाली जाती तो हमारे मुस्तफाबाद में सबसे पहले ये कुछ ना कुछ ऐसा होता। ये जो लड़के जितने भी आने जाने वाले लड़के थे जो गोकलपुरी साइड से आए और उनको काट के नाले में डाल दिया गया, ये शिवबिहार में हमारे सबसे ज्यादा आतंक हुआ, ये सब आउट था। यहाँ कोई भाईचारा खत्म नहीं हो रहा था, ये कोई भाईचारा खत्म नहीं हो रहा था। अब मेरे साथ चलिए, अगर आपको जानना चाहते हो, हमारे बिल्कुल गली से टच है, दीवार ऐसे टच है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं और उनको एक खरोंच तक नहीं आई। मैम ये मुद्दा जो बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम होता ना तो भाई भाई को नहीं पहचानता।
एक हिंदू मुस्लिम को बचा रहा है और एक मुस्लिम हिंदू को बचा रहा है, तो ये नहीं होता। ये दंगा जो है ये पूरा राजनीतिक दंगा है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जगदीश प्रधान जी इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने अपने हारने की वो निकाली है कि हमें इन लोगों ने, जगदीश प्रधान यहाँ के एक्स एमएलए हैं और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो उन्हीं के एरिए में हुआ है, शिव बिहार में, जहाँ उनकी रेजिडेंस है और जहाँ उनका प्रॉपर ग्रुप है, वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। मैम, क्या किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया? नहीं, मैं यहाँ देख रही हूँ कि कई लोग जगदीश प्रधान पर सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ किस आधार पर आप जगदीश प्रधान पर ये आरोप लगा रहे हैं? कोई आपके पास क्लू है या कुछ आपने वीडियो देखा या कुछ आपने भड़काऊ के भाषण सुने? मैडम, भड़काऊ भाषण तो नहीं सुने, और सिर्फ इसी चीज से आइडिया लगाया जा सकता है कि उनका घर शिव बिहार के अंदर है, उनका ऑफिस। सर, वो बच गए तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे नेता ताहिर हुसैन जी को फंसाया जा रहा है, क्या उन्होंने किसी के ऊपर पेट्रोल? मैडम ठीक है, नहीं सर, ताहिर, सुनिए, ताहिर हुसैन मीडिया में ताहिर हुसैन चला रही है। हम बात समझ रहे हैं कि उनको हो सकता है उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन आप बात जगदीश प्रधान की हो रही है, किस आधार पर उनको? आपने मेरे से एक सवाल किया कि जगदीश प्रधान का कोई क्लू है, किसी ने देखा क्या? मैं भी तो आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, क्या ताहिर हुसैन को किसी ने झगड़ा भड़काते हुए देखा? इसीलिए तो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना, इसीलिए तो अभी मामला पूरा चल रहा है। चीज पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने ताहिर हुसैन जी का पूछा है कि ताहिर हुसैन जी ने किसी के ऊपर बम फेंका हो, पत्थर फेंका हो, या रेस्क्यू ना किया हो पुलिस ने उनका। दिलशाद साहब, आपको ये समझना होगा कि हम ऐसे ही नाम नहीं ले सकते, उनका नाम इसलिए उठा क्योंकि कई चीज करता हूँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। पेट्रोल आग लगाई तो उन्होंने लगाई, पेट्रोल पंप में देखो जाकर आग भी उन्होंने लगाई। पल्ली पट्टी मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है पट्टी, मुसलमान पेट्रोल पंप आग उन्होंने लगाई तो मुसलमान का नाम हुआ, मुसलमान टारगेट पे हिंदुस्तान के अंदर। कराएगा तो बंदा गिरफ्तार? सर, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनपे मुसलमान गिरफ्तार होंगे, सर आरएसएस वाला नहीं होगा, बीजेपी का हिंदुस्तान का मुसलमान टारगेट पे। मैं बोल रही हूँ, आप ही लोग की बात बोल रही हूँ। नर्सिंग होम से जितने भी बंदों ने गोली चलाई है, कोई पकड़ा गया क्या? मोहन नर्सिंग होम बंद हुआ, सील हुआ क्या? हाजी ताहिर का हुआ, आपको कोई मारने आएगा आप अपना बचाव करेंगे या नहीं करेंगे? आप अपना बचाव करोगे? लेकिन सर, बचाव के नाम पर फिर से दंगा तो नहीं भड़का सकते? दोनों तरफ से दंगे हुआ है सर, दोनों तरफ के वीडियोस हमारे पास है। हिंदुस्तान चला नहीं है तो अस्तित्व देते? मैं बस की नहीं है तो अस्तित्व देते ना, कौन देते जब बस की नहीं है? असली तो बीज उनके बोए, असली बीज तो उनके वो बोल रहे हैं, मुसलमान को टारगेट बनाया जाएगा, कौन हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है आज के टाइम में। हम आपसे कुछ और भी यहाँ पर कुछ स्टोरीज आपसे जरूर शेयर करेंगे और आप तक कई और बात जो है यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए दिशा ने पोस्ट।